हाय फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन आप सभी के मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट पिक्चर लुकअप इन एक्सेल। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक दिस वर्किंग शीट। लाइक यू हैव टू सेलेक्ट आईडी एंड यू विल बी एबल टू गेट फोटो इन रिटर्न, जस्ट लाइक इन वीलुकअप। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट पिक्चर वीलुकअप। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसी तरह से बहुत ही अमेजिंग वीडियो हमेशा आपके सामने लाता रहता हूँ और ऐसी वीडियो लाता हूँ जिससे आपका बहुत टाइम सेव हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये हमारी एक वर्किंग शीट है फिलहाल नॉर्मल, जहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं ये हमारी पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको उसके पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसमें हम सीखेंगे एक पेस्ट स्पेशल में एक फीचर सीखेंगे पेस्ट फोटो वाला, उसके अंदर हम पेस्ट स्पेशल में दूसरा टॉपिक सीखेंगे, फीचर सीखेंगे एक्सेल का पेस्ट लिंक्ड फोटो। ये आपने कभी नहीं किया होगा, मैं आपको बताऊँगा इसमें किस तरह से करते हैं। फिर हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि एक वर्ड और एक नेम में किस तरह से एक फॉर्मूला फीड किया जा सकता है, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन यूज दैट नेम और वर्ड। उसके बाद में हम इसमें इंडेक्स मैच का भी यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है। यदि आपने नहीं देखी है तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो, मैं आपको बता दूँ, तो आप वाली वीडियो देखिए ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा वाली वीडियो देखने के बाद में। आप वीलुकअप को छोड़ के ये वाला फॉर्मूला को यूज़ में लेंगे आपके लाइफ में। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू वीलुकअप एनी पर्टिकुलर फोटो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, कि अगर ये हुआ तो मुझे ये फ़ोटो दो, ये हुआ तो मुझे ये फ़ोटो दो। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही यूनिक वीडियो है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये हमारा डेटा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आईडी, नेम, फादर नेम और एज। अभी इसमें देखिए आप कॉपी करके इसे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने में आप बहुत सारे फीचर हैं, ये सब फीचर का हम बाद में देखेंगे। आज मैं आपको सिर्फ दो फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, वो है ये यू आप प्रेस करेंगे तो, और ये आई प्रेस करेंगे तो। यू यानी क्या लिखा है, पिक्चर। तो आप कोई भी डाटा को कॉपी करके उसका पिक्चर पेस्ट कर सकते हो। हम बहुत बार क्या करते हैं, डाटा हमारा एक्सेल में होता है, उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, उतने पोर्शन को क्रॉप करते हैं और फिर किसी को मेल पे भेजते हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सेल में इनबिल्ट फीचर है, आप उसका सिर्फ पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो उतने सिलेक्टेड एरिया का। तो देखिए ये पूरी पिक्चर है, आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रिक वन, एक्सेल ट्रिक वन। तो ट्रिक्स अच्छा, इसे हम बोलते हैं टिप्स वन। तो ये हमारी पहली टिप्स हुई है एक्सेल की जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वाली वीडियो में। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी टिप है ये। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टिप वन। ओके, अभी दूसरी टिप्स मैं आपको बताऊँगा, उन दोनों में आपको फ़र्क भी बताऊँगा, और आप मुझे बताना कि कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में डाल के, कमेंट में देखे। ओके, तो हमारी टिप टू है, हमने यही डाटा को फिर से कॉपी करना है, इसे हम कहेंगे सोर्स डाटा। इसे कॉपी किया टिप टू के नीचे, इसे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर पहले मैंने आपको यू बताया, मैं आपको आई बता रहा हूँ, लिंक्ड फोटो उसको बोलते हैं, लिंक्ड फोटो। तो अभी देखिए ये वाली, ये भी फोटो है पूरी तरह से, इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते, डबल क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मैं आपको इसमें मैजिक बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मेरे सोर्स डाटा में, यहाँ पे मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। देखिए अजय जैन को मैंने बोल्ड किया और देखिए यहाँ पे भी बोल्ड हो गया, ये पिक्चर के अंदर बोल्ड हो गया। कैन यू इमेजिन, पिक्चर के अंदर बोल्ड हो रहा है ये। यहाँ पे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। ऊपर वाली जो फोटो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नीचे वाले में चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड फोटो है। ये एक्सेल का एक अमेजिंग फीचर है जिसमें आप लिंक्ड फोटो कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, और किसी को फॉरवर्ड भी मतलब फॉरवर्ड तो नहीं कर सकता मेल पे, क्योंकि मेल पे वो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये वर्किंग शीट पे अप्लाई होगा। तो लेकिन आप दूसरी शीट में ये वाली फ़ोटो लगा सकते हैं, और सोर्स डाटा आपका दूसरी शीट में हो सकता है। आप सोर्स डाटा में जो भी चेंज करेंगे आपको सामने वाले को फोटो में चेंज दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा और यूनिक फीचर है एक्सेल का। आई होप आपको ये वाला पसंद आया होगा। तो इसी बेसिस पे हम अभी हमारी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ये एक फीचर है जो हमारी ये वाली वीडियो में काम आने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता दूँ। तो आइए अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमारा ये एक दूसरी शीट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉइज़ की आईडी कार्ड्स की डिटेल हैं, कि उसका आईडी नंबर क्या है, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एज, जेंडर, फ़ोन नंबर और फ़ोटो। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें हमें करना क्या है, हमें आईडी के बेसिस पे फ़ोटो का वीलुकअप लगाना है।
कि यदि मैंने आईडी डाली तो मेरे फोटो के कॉलम में फ़ोटो उसकी ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। आपने नॉर्मल वी लुकअप तो बहुत लगाया है जहाँ पर हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया हम डेटा को लेके आते हैं, तो यही सब ये नंबर के बेसिस पर हमें ये आदमी की फ़ोटो चाहिए या फिर लेडीज़ की फ़ोटो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको पहले करके बताता हूँ और उसको मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करूँगा। हमें क्या करना है, नेम मैनेजर में जाना है फॉर्मूला में से, और ये वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, हमें कहाँ पर अप्लाई करना है पूरी वर्कशीट में अप्लाई करना है, और यहाँ पे हमें एक ये फॉर्मूला डालना है, हम इंडेक्स के फॉर्मूला डालेंगे। इंडेक्स के फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ, मैंने ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ आएगा, तो उसका एक यूज़ ये भी है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेंज सेलेक्ट किया मैंने, फोटो सेलेक्ट नहीं किया मैंने, फोटो के पीछे जो रेंज थी वो मैंने सेलेक्ट की, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, ये वाले कॉलम में मुझे फोटो चाहिए तो मैंने फोटो सेलेक्ट किया। किसके बेसिस पे चाहिए, आईडी नंबर के बेसिस पे चाहिए, तो मैच में मैंने लगाया आईडी नंबर कहाँ मिलेगा मुझे, ये पूरे आईडी नंबर की लिस्ट में मिलेगा, और जीरो लगा के एग्जैक्ट मैच लगा दिया, ब्रैकेट किया क्लोज, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेडी। तो देखिए मैंने इसको नाम क्या दिया था, फोटो, तो फोटो में मैंने ये फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया, तो एक वर्ड और एक नेम में मैंने फॉर्मूला इंसर्ट किया है। ओके तो ये याद रखना, ये नेम का फॉर्मूला क्या बताता है, ये मुझे आईडी नंबर के बेसिस पे ये फ़ोटो लाके देगा, मैंने इसे इस तरह से लिंक किया है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से मैं नेम कॉपी फ़ोटो कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अभी मैंने सिर्फ खाली फ़ोटो पेस्ट की है, इससे मेरे पास सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। इससे मैं अगर यहाँ पे नंबर चेंज करूँगा तो क्या ये फ़ोटो चेंज होगी, नहीं होगी। तो ये मेरा कुछ काम की नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ और ट्राई करना होगा। तो इसे हम कॉपी करेंगे, या तो इस सेल को कॉपी करेंगे, फ़ोटो को कॉपी नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम इसे लिंक्ड फ़ोटो करके पेस्ट करेंगे। ओके ये आए वाला है, देखो नीचे लिंक फ़ोटो लिखा हुआ है, इसे हम करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू वॉच द एंड ऑफ दिस वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है मैंने इसमें, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो हमने यहाँ पे लिंक फोटो पेस्ट किया है अभी, तो लिंक फोटो में मैंने आपको जैसे बताया था हम सोर्स डाटा में कोई भी चेंज करते हैं तो वो हमारे एक्चुअल फ़ोटो में चेंज होकर आता है। तो हमने ये सेल का लिंक फोटो पेस्ट किया है यहाँ पे। तो अब ये देखिए ये लिंक फोटो में H2 ये सेल रेफरेंस लिखा हुआ था, मैं वो रेफरेंस वो क्या था लिंक था, तो मैं वो लिंक की जगह पे फोटो वाली लिंक जो फोटो करके मैंने नेम मैनेजर में फॉर्मूला बनाया था फोटो के नेम पे डाला था वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो अभी देखिए क्या मैजिक हुआ इसका, मैं आईडी चेंज करता हूँ तो फोटो चेंज होती है। हम आईडी के लिए फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर क्या बोल रहा हूँ मैं, डेटा फिल्ट्रेशन डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं लिस्ट सेलेक्ट करके, यहाँ पर हम सारे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। ओके तो देखिए अब यदि मैं कोई भी नंबर चेंज करूं तो मेरी फ़ोटो चेंज रहती है, इजंट इट अमेजिंग फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, मैंने एक नेम मैनेजमेंट एक फॉर्मूला बनाया, एक नेम एक फ़ोटो के इसमें मैंने फॉर्मूला डाल दिया और उसे ये लिंक्ड फ़ोटो में के फॉर्मूले में पेस्ट कर दिया, उसकी लिंक में मैंने पेस्ट कर दिया, और इस तरह से हम पिक्चर का वीलुकअप लगाने में सफल हुए। तो फ्रेंड्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एंड फीचर ऑफ एम एस एक्सेल अभी हमें कुछ नया ट्राई करना है। क्या करना है, हमें हर एक एम्प्लॉय का सेपरेट आईडी कार्ड बनाना है। आईडी कार्ड या तो जैसे हम ऑफिस में जाते हैं हमारे पास आईडी कार्ड होता है, वैसा एक आईडी कार्ड हमें हर एक एम्प्लॉय का बनाना है, और वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं नंबर सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास सारी की सारी डिटेल, उसका नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, फ़ोन नंबर और साथ में फ़ोटो भी आनी चाहिए। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है ये, इसमें मैं यही वाले फीचर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जो भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया नेम मैनेजमेंट का उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रीव्यू देखिए वो कैसा होगा, ये इस तरह से आईडी कार्ड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पूरा आईडी कार्ड चेंज हो जाएगा, विद इन अ सेकंड हम किसी का भी आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक है तो फ्रेंड्स अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आप सब लोगों को देना था, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि मेक श्योर टू वॉच द एंड। तो फ्रेंड्स मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेल मी इफ़ माई वीडियो वर्थ वॉचिंग। आप सभी को लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों के कुछ काम आती हैं,
कुछ टाइम आप सेव कर पाते हैं मेरी वीडियो से, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं काम की वीडियो बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को कोई बेनिफिट हो सके। यदि मुझे लगता है कि सच में आपका बेनिफिट हो रहा है तो मैं ये वीडियो और बनाऊँगा, मोर फ्रिक्वेंटली बनाऊँगा। दूसरा, बताइए मुझे कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और बनाऊँ। यू डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू मेकिंग मोर वीडियोज़? क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, मुझे लाइक भी बहुत कम आते हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरी वीडियो आप लोगों के काम आ रही है नहीं आ रही है। आप लोग देखते भी हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। यदि फ्रेंड्स, यदि आपको सच में मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो, और ताकि मुझे पता चले कि मैं काम की वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। और यदि एट लास्ट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा कुछ बेस बढ़े, मैं ज़्यादा लोगों में मेरे मैसेज प्रोवाइड कर सकूँ। यदि कम लोग होंगे तो मुझे भी बनाने में मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स। और लेट मी टेल यू, मेरी हर एक वीडियो में 2 to 3 hours ऑफ योर डेली हार्डवर्क सेव करने की पोटेंशियल है फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।